बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैथ्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.4, पार्ट 8, ठीक है, निपटाने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन है? अब हम 1, 2, 3, 4 तीन क्वेश्चन इसके कर चुके थे, ठीक हो गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 8x^6 + 7x³ - 1। यहाँ दोबारा मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। मुझे कैसे पता? पहले ही बता चुका हूँ, पार्ट 7 के अंदर मैंने बात बताई। यहाँ पर आप क्या करेंगे? क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 8 और 7 साथ लगे हुए हैं, आप कॉमन भी नहीं ले सकते कि इनको साइड में करके एक्स और एक्स को अलहदा करें। इनका तो क्यूब बन जाएगा, 1 का भी बन जाएगा, इसका क्या करेंगे? 8 और 7 का कॉमन भी नहीं ले सकते। आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि सिर्फ आप मिडिल टर्म ब्रेक करें। समझ में आ रही है बात? आप मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए रफ वर्क यहीं पर कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 8x³ है, 8x^6 है, और थर्ड टर्म -1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 - 8x^6। ये क्यों किया? इसकी वजह ये, ताकि ये हमें फैक्टर बनाने के लिए 8 चाहिए, ये नंबर हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पर 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 2 2, 3 2 मिल गए। अब मिडिल टर्म की तरफ आ जाइए, +7x³ + 7x³। अब ये बनाना है हमें, दो स्टेप हैं यहाँ पर। इनसे दो नंबर लें, कौन कौन से दो नंबर? ये 2 2 4 और 2 वेक्टर बन ही नहीं सकते, 7 कहाँ से आएगा? अल्टीमेटली आपके पास आखिर में ये ऑप्शन बचता है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 और 1, ये आपको लेना पड़ेगा, इसके अलावा गुंजाइश ही नहीं है। ये भी फैक्टर है, ये बन सकता है। अब इसको प्लस का कर दें, इसको माइनस का कर दें। 8 के साथ भी आप जो है वो x³ लगा दीजिए, 1 के साथ भी आप x³ लगा दीजिए। 1 लिखते नहीं है, पता है आपको, अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद है। ये 8x³ - x³, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 7x³। पहली शर्त तो पूरी हो गई। किस लिए? फैक्टर चेक कर रहे हैं ना कि फैक्टर जो बना है ये सही भी बना है या नहीं बना है। तो बिल्कुल प्लस माइनस करने पे हमें जो है वो मिडिल टर्म मिल रही है 7x³। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगी? लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कौन सी टर्म? मल्टीप्लाई करने पर मिडिल टर्म नहीं, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट ये चाहिए, जो कि -8x^6 है, ये चाहिए हमें। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 8 - 8x^6। मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल हमारी जो हमने दो जो ये फैक्टर बनाए हैं ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं। प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म मिल रही है, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी कि -8x^6 मिल रहा है। अब यहाँ पर इनको यूज़ करें। ये रफ वर्क के पहले ही बताया था, आप साइड में कर लीजिएगा, मैं यही करता हूँ ताकि सहूलत में हो जाए काम ज़रा। x^6 और क्या है हमारे पास? +8x³ - x³ - 1। क्या मिल रहा है यहाँ पर? 8x³ कॉमन मिल रहा है, 8x³ कॉमन मिल रहा है, x³ - 1 + 1, ठीक है भाई। 8x³ यहाँ आ गया, x³ बचा, प्लस आ गया और 1 बचा। जो ये बना है दूसरा ब्रैकेट बना के इसको लिख दें इसी तरह, x³ + 1 कॉमन लेना है ना। अब यहाँ पर -x³ - 1 है, तो क्या करें? -1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। +1 और -1 तो मर्जी है आपकी, -1 ले लें, +1 ले लें, जहाँ दिल चाहे आपका कॉमन ले लें, कोई टेंशन की बात नहीं। चेक कर लें कि इसको रिवर्स करने पर, मतलब दोबारा मल्टीप्लाई करने पर यही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब ये और ये कॉमन नज़र आ रहे हैं, इसको कॉमन ले लें, x³ + 1
और यहाँ पर 8x क्यूब माइनस वन। सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि दो फार्मूले यहाँ पर लग रहे हैं। कौन कौन से फार्मूले? एक तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है a प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी लग रहा है इसके साथ एक्स क्यूब प्लस वन के साथ। इसके साथ माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूलाज लग रहे हैं यहाँ पर, बारी बारी इनके साथ लगाते हैं। ये मिटा दूँ ताकि जगह बने। ये फॉर्मूला सेपरेट कर दिया मैंने। अब इनको मैं दोनों को उठा रहा हूँ, ये हो जाएगा x प्लस वन, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट चाहिए यहाँ पर मुझे, बल्कि बड़े ब्रैकेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर तो कोई पावर है ही नहीं, इसलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है भाई, बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत है भाई, है बिल्कुल है। क्यों बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत है? दो फार्मूला, डबल फार्मूला लग रहे हैं ना, अब दोनों फार्मूलाज को सेपरेट भी तो करना है। अब यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है आगे, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ साथ, आप तो पूरी तफसील के साथ करते रहिएगा। ये उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन और 2x प्लस 2x 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x 1 प्लस 1 स्क्वायर, और इसके लिए क्या बना 2x माइनस 1 और 2x प्लस 2x 1 और 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 कहाँ से आया, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देखें आप एंड करने जा रहे हैं अभी 5.4 का, अभी तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये 8 लगा हुआ है तो 2 कैसे आएगा। अब आगे चलते हैं, आगे इसको क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा जहाँ तक हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा 2x माइनस वन और 2x प्लस 2x प्लस 1। ठीक हो गया भाई, अब इससे ज़्यादा आगे कहाँ जाएगा, ये इससे ज़्यादा आगे और ये कहाँ जाएगा, आंसर चेक करें, मेरे ख्याल यही होना चाहिए इसका, आपकी बुक के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 2x माइनस 1, ये रहा। टर्म्स आगे पीछे हुई हुई है, इससे परेशान नहीं होना। 2x माइनस 1 x प्लस 1 ये रहा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये रहा, और उसके बाद ये टू। हाँ, मिस्टेक हो गई, बिल्कुल मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होल स्क्वायर वाली है ना भाई, ये तो ये हो जाएगा, यहाँ तो टू एक्स ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर। अब सही है बिल्कुल, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक यह आंसर आ चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपना दे चुका हूँ कई दफ़ा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल उठाएं, मुझे पिक्चर बनाएं, पिक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें, बोलें सर ये जगह आपने क्या किया समझ में नहीं आ रही, इसको क्लियर कर दें, मैं बैठा ही क्लियर करने के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं, बता दूंगा। व्हाट्सएप पे भी आपको गाइड करूँगा, बस पढ़ें ज़रा दिल लगा के। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास है, अभी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है वो ही, एक्स माइनस टू वाई होल क्यूब माइनस 64 जेड पावर 3, एक्स माइनस टू वाई होल क्यूब माइनस 64 जेड क्यूब। अब ये बिल्कुल फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई शक नहीं है इसके अंदर फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको एक टर्म लेना पड़ेगा और इसको दूसरी टर्म, कौन सा वाला फार्मूला, यही वाला ए क्यूब
माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला आप लेंगे और ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब ये पूरे का पूरा x माइनस टू वाई होल क्यूब ये a है, ये याद रहे, और इसको b बनाना है आपने 64z क्यूब को। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो ऐसे ही लिख दूं मैं, माइनस 64 क्या बनेगा 4z और होल क्यूब, ठीक है, 64 4 4 16 16 4 64, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत है, x माइनस टू वाई माइनस फोर जेड ब्रैकेट क्लोज, दोबारा लिखेंगे इसको होल पावर लगा के, x माइनस टू वाई होल स्क्वायर प्लस दोबारा x माइनस टू वाई और उसके बाद फिर फोर जेड प्लस फोर जेड होल स्क्वायर, ठीक हो गया भाई, चेक कर लीजिए। अच्छा अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर जेड और यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये एक्स माइनस टू वाई के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर ज़रा देखें इसको छेड़े बगैर ये बनेगा क्या, मेरे ख्याल में सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ये वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो लगा देते हैं इसको, देखते हैं गलत हो गया तो भाई सॉरी बोल देंगे आपसे, कोई टेंशन की बात नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से तो लग रहा है बिल्कुल। तो ये पहला एक्स स्क्वायर हो गया, फिर हो गया टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ये प्लस एक्स जो है वो फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर एक्स जेड हो जाएगा, फिर माइनस टू वाई फोर जेड से माइनस टू फोर ज़ा एट वाई z हो जाएगा प्लस फोर फोर ज़ा सिक्सटीन जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या रह गया आगे, कुछ कट रहा है, इजीली चेक कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फोर आएगा यहाँ पर भाई, देखें जल्दी का काम शैतान का काम ना, या माइनस फोर एक्स वाई आएगा, एक्स माइनस टू वाई है ना, पहला एक्स स्क्वायर फिर फॉर्मूले का टू फिर एक्स और टू वाई, तो ये टू टू ज़ा फोर एक्स वाई, बिल्कुल सही, ये प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ये प्लस फोर एक्स जेड माइनस एट वाई जेड, कुछ कट रहा है कुछ कट रहा है कुछ कट रहा है, मुझे तो कुछ कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, चले आंसर चेक करते हैं क्या है, यही है या कुछ और है। क्वेश्चन नंबर फोर का फाइव, x माइनस टू वाई माइनस फोर जेड, बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर सही है और उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लस फोर वाई स्क्वायर, अरे यार ये ना जल्दी 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 प्लस फोर वाई स्क्वायर, यहाँ भी तो आएगा प्लस फोर वाई स्क्वायर, चलो ये भी सही हो गया, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही है, उसके बाद माइनस फोर एक्स वाई, ये भी सही है, माइनस फोर एक्स जेड, ये भी सही है, माइनस एट वाई जेड, ये भी सही है, चलें भाई मसला हल हो गया। ये आपका कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आप तो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, अरे भाई टीचर्स जो है ना टीचर्स को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, मिस्टेक भी करेंगे ना तब भी कुछ सिखाएंगे आपको, हाँ हाँ अल्लाह ने बनाया है टीचर को ऐसा ही है, ठीक है टेंशन नहीं लेनी है सोच के, चलें हो गया आगे चलते हैं, फाइनल क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर फाइनल नहीं है भाई, इसमें अभी और हैं, सेवन क्वेश्चन हैं, मिटा दूँ क्योंकि फिजिक्स की वीडियोस वेट कर रही है ना, असल में मुझे जल्दी लगी हुई है उसकी, आज सैटरडे है थोड़ा टाइम भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको तो निपटा दूँ 5.4 तक, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास है 6 125 आर क्यूब माइनस एस प्लस ए टी क्यूब, वही है सब कुछ, ये रहा क्यूब 5 आर होल क्यूब, बताने की ज़रूरत नहीं है अब क्यों है,
ठीक है, आगे लेके चलें तो यहाँ पर हमारे पास बन गया, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5R माइनस एस प्लस ए टी। ठीक है, बड़े ब्रैकेट की यहाँ पर ज़रूरत है, ये 5R है, 5R। दोबारा ब्रैकेट लगाएं, क्या होगा 5R के ऊपर होल स्क्वायर और प्लस फिर 5R, फिर ब्रैकेट वाला आ जाएगा एस प्लस ए टी, एस प्लस ए टी आ गया, और उसके बाद दोबारा एस प्लस ए टी आएगा, एस प्लस ए टी होल स्क्वायर, दोबारा एस प्लस ए टी होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। सिंप्लीफाई करें इसको, ये हो जाएगा 5R माइनस एस माइनस ए टी, एस जो है ना ये 5 जैसा बन जाता है इसलिए गड़बड़ कर देता है, 5R माइनस एस माइनस ए टी, यहाँ पर 25R स्क्वायर प्लस 5RS प्लस 5AT प्लस, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए टी है, एस स्क्वायर प्लस 2SAT प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है भाई, कैमरे में नज़र आ रहा है वहाँ तक बिल्कुल सही, मज़ीद कुछ हो सकता है, 5R माइनस एस माइनस ए टी, 25R स्क्वायर प्लस 5RS प्लस 5AT प्लस एस स्क्वायर प्लस 2SAT प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। चलें आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6, 5R माइनस एस माइनस ए टी बिल्कुल सही है, 25R स्क्वायर बिल्कुल सही है, प्लस एस स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, प्लस एस स्क्वायर रीअरेंज कर लीजिएगा कोई टेंशन की बात नहीं, प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर ये भी सही है, प्लस 5RS ये भी सही है, प्लस 2AT प्लस 2AT प्लस 2AT प्लस 2ART, नहीं गड़बड़ हो गई कहीं कहीं गड़बड़ हो गई, 25R स्क्वायर प्लस 5RS बिल्कुल सही है, ये सही रखें, 5R S प्लस 80 सही है, ये भी फर्स्ट और लास्ट टर्म, अच्छा उसके बाद अभी देखते हैं, प्लस 5R भी तो आएगा भाई इसके साथ, प्लस 5R 80 अब सही हो गया, अच्छा उसके बाद प्लस S स्क्वायर प्लस 2S 80 ये हो गया, 5ART प्लस 5RST RS प्लस 5RS ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बिल्कुल सही हो गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, आर पावर 5 टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी पावर 8, क्यूब वाला फॉर्मूला कैसे बनाएं इसको, मेरे ख्याल में आर स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपके पास अंदर बच जाएगा आर क्यूब प्लस यहाँ बच जाएगा टी पावर 6। ठीक है, फिर फर्दर इसको आगे लेके चलें तो ये आर स्क्वायर टी स्क्वायर और ये आर क्यूब हो गया प्लस टी के ऊपर 2 और यहाँ 3 लगाएं। ठीक है, 2 3 6, अब ये भी क्यूब ये भी क्यूब, आगे लेके चलें अब इसको, कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर पहचान जाइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ठीक है, तो पहले इसको मैं लिख लूँ आर स्क्वायर और टी स्क्वायर, अब अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास बनेगा आर प्लस टी स्क्वायर, फिर दोबारा आर होल स्क्वायर माइनस फिर आर फिर टी स्क्वायर
प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। अब क्या आर स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ें टी स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर प्लस टी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर प्लस टी पावर फोर। चेक करें, यही आंसर आपका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 5.4 का। आर स्क्वायर टी स्क्वायर आर प्लस टी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर प्लस टी पावर फोर, बिल्कुल यही जवाब है आपका, ये आंसर हो गया। सॉरी मैं थोड़ा बहुत जल्दी में चला इसको लेके, काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। दूसरा मैं ये इतनी जल्दी इस वजह से भी चल रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट 8 है अभी। ये मेरे जहन में बात है कि बच्चे पार्ट 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो अब उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो समझ जाएंगे, इसलिए काफ़ी शॉर्टकट भी मारें। बरहाल अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, कोई परेशानी है कमेंट में बताएं, ठीक है, व्हाट्सएप करें मुझे पिक्चर बना के, सर यहाँ ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊँ, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा कि ये मैंने ये स्टेप ये क्यों किया और ये क्यों किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।